कोहबता देवी। ये कौन सा गांव है? सरफाबाद टांगिया बन टांगिया सरफाबाद। अच्छा, ये पहले जो मुख्यमंत्री आए हैं उससे पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। जैसे बहुत अंतर है। इससे पहले मढ़ा कोई अमराह जा रहा है जोन है कुटी में यहाँ। अच्छा। अब राशन कार्ड मिल गया, वोटर लिस्ट में नाम हो गए, ओकरे बाद में आवास शौचालय 5 शौचालय तैयार के हैं टांगिया सरफाबाद। ये जो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, कुछ लोग आप लोगों को आश्वासन दे गए थे? मुख्यमंत्री जी आए थे लेकिन तो 1947 से लेकर आज तक केवल देश आजाद हुआ था। 18 मई 2018 को हम लोग आजाद हुए लेकिन तो कुछ सुविधाएं यहाँ पर छूट गई हैं, जो हैं रोड हैं और इस कृषि की पैमाइश नहीं हुई है। अभी इस कृषि में बहुत से टेंडर पेड़ हैं वो भी नहीं कटवाए हैं वन विभाग, और वन विभाग के जो केस बचे थे वो अभी बाकी हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो कहे थे कि तुम लोगों को आवास मिलेगा, लेटरिन मिलेगा, रास्ता मिलेगा और जो तुम लोगों के ऊपर केस है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब सारी व्यवस्थाएं तो मिली, बिजली मिली, आधार कार्ड बने, पैन कार्ड बने, राशन कार्ड बने, सब कुछ ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर केवल 2-3 चीज की बहुत बड़ी समस्या है। एक, पहला नंबर केस का समस्या बहुत बड़ा है। दूसरा नंबर यहाँ पर रोड नहीं है। रोड से टच करने के लिए यहाँ पर वन विभाग वाले रोक रहे हैं कि हम रोड से नहीं टच करेंगे तुम लोगों को और रोड नहीं देंगे। अगर तुम लोगों को रोड चाहिए तो अपने जमीन से निकालो। तो हम लोग अगर अपने जमीन से निकालेंगे तो रोड से नहीं टच हो पाएंगे, क्योंकि रोड से टच है हम लोगों का, तो रोड से नहीं टच है हम लोगों का ये खेत, तो अब कहाँ हम लोग निकलेंगे, यही सबसे बड़ी समस्या है हमारी। टांगिया में मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दिया था उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं और आप भी अभी निरीक्षण करके आए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या सौगात? हमारे जनपद में बन टांगिया के कुल 5 गांव, एक गांव पहले का डिक्लेयर्ड है, 4 गांव माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के उपरांत राजस्व ग्राम डिक्लेयर हुआ है। उन ग्रामों में क्या भौतिक प्रगति मौके पर चल रही है उसको देखने के लिए मैं गया था, और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस के इन लोगों के प्रति काफी संवेदनशील रहते हैं और हर वर्ष दीपावली इन्हीं के बीच वो मनाते हैं। तो भौतिक सत्यापन में मैंने पाया कि गांव में जितने पात्र परिवार थे सबको मुख्यमंत्री आवास योजना स्वीकृत हो गई है और अधिकांश लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया है जो प्लिंथ लेवल तक आ गया है। हैंडपंप जहां जहां मान्य के अनुरूप लगना था हैंडपंप लगाया जा चुका है, जहां बिजली आनी थी वहां बिजली लगाए जाने की व्यवस्था हो रही है, बट जहां वन मार्ग पड़ता है वहां बिजली लगाने में दिक्कत है, तो वो हम नेडा के थ्रू उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।